नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे सीज़मिक एक्सेलेरोमीटर के बारे में। जो सीज़मिक एक्सेलेरोमीटर होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो जो सीज़मिक एक्सेलेरोमीटर है ये होता क्या है, जो ये वर्ड है इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को सेंस करना है तो उसके लिए हम इस एक्सेलेरोमीटर का यूज़ करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं सेंस करने के लिए एक्सेलरेशन को। तो जो ये एक्सेलेरोमीटर है इसका यूज़ किया जाता है वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए या कहें एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए, तो दोनों चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं पहले वो हम देख लेते हैं। तो इस तरह की एक हाउसिंग हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं, जो आपको ये दिखाया गया है ये क्या है, ये हाउसिंग फ्रेम होता है। तो आप इसको लिख दीजिए कि ये क्या है, ये हाउसिंग फ्रेम है। इस हाउसिंग फ्रेम के अंदर क्या क्या होता है, अब इस हाउसिंग फ्रेम के अंदर देखिए यहाँ पे एक मास होता है, ये क्या है, मास है। ये जो मास है ये क्या है, एक जगह बैलेंस होता है। अब ऊपर क्या है, यहाँ पे ये क्या लगा है, ये डैम्पर लगा है, तो ये डैम्पर के बीच में, और नीचे क्या है, ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग और डैम्पर के बीच में ये मास लगा होता है और इसको प्रॉपरली बैलेंस किया जाता है, यानी कि ये एक स्थिर अवस्था में रहता है। तो वो जो रीडिंग होती है जहाँ पे स्थिर अवस्था में होता है वो हमारी एक तरह से ज़ीरो रीडिंग आप उसको ले सकते हैं, कि वो वहाँ से आप मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो लगाया गया है इस तरफ जो राइट हैंड साइड है ये दिखाया गया है, ये क्या है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी जब ये मास अप और डाउन मोशन करेगा किसी भी वाइब्रेशन के कॉन्टैक्ट में आने से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है ये क्या करेगा, उस डिस्प्लेसमेंट को ये कन्वर्ट करेगा, हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनके अंदर ये कन्वर्ट करेगा। तो जो ये मास है जब इसको वाइब्रेशन मिलेगी, मान लीजिए आप इस पूरी हाउसिंग को किसी चीज़ से, ये कोई सोर्स ऑफ वाइब्रेशन है जिसकी आपको वाइब्रेशन मापनी है या फिर उसकी जो एक्सेलरेशन है वो मापनी है, तो उससे आप इसको अटैच कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये जो सोर्स ऑफ वाइब्रेशन है वाइब्रेट करेगा तो ये जो मास है डिस्प्लेस होगा, अप और डाउन डिस्प्लेस होगा जो इसकी स्थिर पोजिशन थी, तो उससे क्या होगा, जो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है उसको नोट करेगा उस रीडिंग को और उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करेगा। तो ये चेंज कर देगा जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, और उससे हम क्या माप सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी कि कितनी वाइब्रेशन हुई या कितनी एक्सेलरेशन, आप इसको माप सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजी जो है वे है इसको मापने का, सिर्फ मास की डिस्प्लेसमेंट को हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करना है और उसको मापना है, जिससे आप सोर्स ऑफ वाइब्रेशन की वाइब्रेशन को या एक्सेलरेशन को माप सकते हैं। तो ये था सीज़मिक एक्सेलेरोमीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट सेंसिंग एक्सेलेरोमीटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।